नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोग जो मेरे से बात करते हैं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, तो उसमें से कई सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ आपको स्टॉक मार्केट से बचना चाहिए, और कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पर आप एक एनालिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डिटेल मैंने ली है। शायद आप, अगर आप थोड़ा सा भी वेब सीरीज़ देखते हैं, तो आजकल एक वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मेरे पर्सनल फेवरेट भी है, स्कैम 90 92, हर्षद मेहता की कहानी है। और ये डेट ऑफ बर्थ डिटेल जो आपके सामने है वो हर्षद मेहता की ही है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट। मैं आपको बहुत तफसील से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सीखने को आज आपको मिलने वाला है। और ऐसे टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ, इसलिए मुझे कई बार समय लगता है रिसर्च करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो नंबर्स जहाँ पर आ जाते हैं 4 और 8, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये नंबर कर्म बेस्ड होते हैं। 8 खास तौर से आपको कर्म बेस्ड का नंबर होता है। अगर आपके पास ये नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ डिटेल में, तो कोशिश कीजिए कि आप इन्वेस्ट अपना पैसा उसमें ना ही करें तो बेहतर है। और अगर आप करना ही चाहते हैं, आपने मन अपना बना ही लिया है इन्वेस्ट करने का, तो स्मॉल अमाउंट जो होता है उसको आप इन्वेस्ट करें तो बेहतर आपके लिए ये रहेगा। 8 नंबर डिसीजन मेकिंग का भी होता है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से हार्ड वर्किंग ये नंबर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो लोग इनके पास या तो मूलांक या भाग्यांक होता है, उनको बचना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। चाहे आपका कॉम्बिनेशन अगर 4 और 8 का है तो बिल्कुल ही मत करिएगा, लेकिन अगर कहीं पे भी 4 आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ में इंटरेस्ट ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप 4 नंबर से रूल करते हैं तो आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने मन बना ही रखा है कि मुझे करना है, तो आप आईटी सेक्टर में कर सकते हैं। और 8 नंबर से अगर आप रूल करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोहा वहाँ पर आ जाता है। तो मैं पहले सिलसिलेवार बता देता हूँ आपको, फिर मैं इस पुशो ग्रिड को लूँगा, कि अगर आपका मूलांक आता है 1, तो आप पब्लिक सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नंबर 2 में पैरासूटिकल्स में भी आप कर सकते हैं। 3 नंबर के जो लोग होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर, 4 नंबर के आईटी सेक्टर में, 5 नंबर के टेलीकम्युनिकेशन में, और 6 नंबर के ऑटोमोबाइल्स होटल सेक्टर्स में, और 7 नंबर में ऑयल एंड गैस, 8 नंबर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स, और 9 नंबर में प्रॉपर्टी एंड रियल इस्टेट्स में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर से वही बात रहेगी कि 4 और 8 अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि आप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादातर बचें। अब इन्वेस्ट कौन कर सकते हैं? जिनके पास 6 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या मूलांक के भाग्यांक जिसे हम कहते हैं, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ली है कि आपको ये बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं कि किस तरह से आप, कितनी इंटरेस्टिंग ये चीज़ होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट का बता दिया कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। कंसल्टेंट एनालिसिस्ट जो होते हैं, या काउंसलर जिसे आप बोलते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर है और आपके पास 7 नंबर है, या आपके पास 2 नंबर है, तो आप कंसल्टेंट के रूप में वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर अगर आपके पास हैं, तो आप दूसरे के मैनेजमेंट, पैसे के मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल स्टेट्स में आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब अर्षद मेहता जी की डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स से थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ ये फेल हुए और कहाँ इनको प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए अब हर्षद मेहता जी की जो लूसो ग्रिड है उसे थोड़ा सा देखते हैं, और उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को भी कोई चीज़ लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप भी अपने जो व्यूज़ हैं बता सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट उससे छूट जाए तो आप लोग भी उस चीज़ को मेरे को बताएं, क्योंकि मुझे भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा तो ऑलवेज़ वेलकम है। तो अगर इनके मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर की हम बात कर लें, तो यहाँ से मिलता है हमें 2, यहाँ से मिलता है हमें 7, और यहाँ से मिलता है हमें 19।
तो 19 का मिलता है 1, तो 7 और 1 8 और 2 10, 10 से बनता है हमारा 1 और यहाँ से मिला हमें 2, तो ये हमारा 2 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इमोशंस प्लस लीडरशिप का कॉम्बिनेशन मिल गया, सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। धूप छांव की स्थिति, चमकेंगे भी और शांत भी रहेंगे। तो पर्सनालिटी जो थी, अगर आपने हम 1992 को आधार मानकर देखें, या जो लोग हर्षद को जानते हैं, वो काफ़ी काम थे अपने अप्रोच में। और 2 नंबर जो लोग होते हैं, वो काफ़ी हद तक उनके अंदर सुनने का मादा काफ़ी होता है और समझने का मादा भी अच्छा होता है, और दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो बहुत अच्छे से समझते हैं, या कहूँ कि अपने इंटरेस्ट की बात वहाँ से निकाल भी लेते हैं। ऑरा काफ़ी अच्छा होता है। तो पहला 2 आता है और 2 ही इनका मूलांक है, तो उसको भी हाथों हाथ यहीं लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 9 आता है, और उसके बाद हमारे पास 7 आता है, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 आता है, और फिर हमारे पास 9 आता है, फिर हमारे पास 5 आता है, फिर 4 आता है, और 1 हमारा भाग्य अंक भी है, यानी कि लाभ पाठ नंबर भी है, तो वो आता है। तो ये है हर्षद मेहता की लुशुभ्रड, क्या कहती है ये, पहले इसको जान लेते हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर सेल्फ मोटिवेशन का नंबर है, पैसे का नंबर है, पैसा भी आपको खूब देता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, जो कि अगेन फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। 9 सिंगल होगा तो क्रिएटिव बनाएगा माइंड को, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आएगा। उसके साथ एक 9 और आ जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्यों? क्रिटिकल फैक्ट फाइंडिंग की थिंकिंग जब आ जाती है तो आदमी हर चीज़ को 2 नज़रियों से देखता है और बहुत अच्छे तरीके से देखता है। फाइनेंशियल एस्टेट्स में ये बहुत अच्छी थिंकिंग है, अगर आप फाइनेंशियल उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता, इन डेप्थ आन के जाना भी पड़ता है, तो वहाँ पर ये जो है नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 आ जाता है। 2 में जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग दूसरों को की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरों को कैसे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, कैसे हील किया जाए, दूसरे से अपनी काम बात कैसे निकाली जाए, वो काम यहाँ पे करता है। 2 आ जाता है तो सेंसिटिविटी को और अच्छे से वो समझता है, बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को समझता है कि इसको कहाँ क्या ज़रूरत है और मैं इसकी हेल्प कहाँ पर कर सकता हूँ। और एक एनालिस्ट की या कंसल्टेंट की जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि इसके उस जगह मैं हिट करूँ जहाँ पर मैं इसको कंसोल कर पाऊँ, हील कर पाऊँ। 7 नंबर क्या होता है? 7 नंबर अपनी गलतियों से सीखता है, अपने लॉसेस से सीखता है। तो हर्षद ने अपने लॉसेस से सीखा, वो आगे बढ़े, जो गलतियाँ उनसे होती गई उन्होंने उसको रिपीट नहीं करा। वो बात अलग है कि बाद में जो एक मेजर उन्होंने सेटबैक उन्हें मिला, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न रहे उसके। 5 नंबर बैलेंस कर देता है आपकी जो विल पावर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो विल पावर काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन 4 नंबर सेल्फ मोटिवेशन से ज़िंदगी नहीं चलती, उसके लिए आपको 3 नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको 8 नंबर की ज़रूरत भी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा कि 4 और 8 नंबर वाले जो होते हैं उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए शेयर मार्केट से, हालांकि इनके पास 8 नहीं है, तो ये इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी 4 नंबर था। तो क्योंकि ये दोनों नंबर ही ऐसे हैं जो मतलब आदर्शता को दिखाते हैं, गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर कोई गलती हो रही होगी तो ये खुद ही अपनी गलती मान के बैठने वाले नंबर्स होते हैं। यहाँ पर 4 नंबर मौजूद था तो सेल्फ मोटिवेशन खूब था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, वो वाली बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। 3 नंबर क्या था? 3 नंबर जो था है वो नॉलेज देता है, फैक्ट्स को देता है। तो कई बार क्या हुआ कि जो फैक्ट सामने थे उन फैक्ट्स को भी नहीं देखा, कि अगर मैं बस ये था कि मैं प्रॉफिट कमाना है मेरे को, और मेरे को मतलब बच्चन बनना है शेयर मार्केट का, जो कि लोग इनको कहते भी थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओवरलुक करते चले गए जुपिटर को, बृहस्पति को ओवरलुक करते चले गए, साथ साथ 8 नंबर मौजूद नहीं था। तो फैक्ट्स के आधार पर आपकी जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। साथ साथ 6 नंबर जो था वो यहाँ पर मिसिंग था, तो जो पब्लिक का सपोर्ट था वो था ही नहीं शुरू से, क्योंकि यहाँ इस लुशो ग्रिड को अगर आप देखेंगे तो चढ़ते सूरज को सबने सलाम किया, लेकिन जब वो उतरा तो सबने उसके एफिजीज भी जलाई, यानी कि उसके जो पुतले होते हैं वो भी जलाए। तो यहाँ पर पब्लिक का सपोर्ट तो मिला ही नहीं ना, पब्लिक सपोर्ट तो सिर्फ पैसे तक था।
तो इसलिए यहाँ पर भी जो है स्थिति बनी। नो डाउट पैसा बहुत था, प्रॉपर्टी भी बनाई, अगर आप देखें तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉपर्टी भी काफ़ी बनी और अपनी गलतियों से सीखे भी, लेकिन सपोर्ट नहीं था सिवाय एक फैमिली मेम्बर के, वो भी कई बार डिसीजंस में अपोज करते हुए दिखाई देते थे क्योंकि लीगलिटीज में वो फंसना नहीं चाहते थे। तो एक तरीके से इन्होंने सिर्फ अपनी चलाई, अपनी जो एक होती है ना कि मतलब मैं करूँगा, नो डाउट यहाँ पे नॉलेज की कोई कमी नहीं थी और विल पावर देखो कितनी स्ट्रांग थी, और जो भी किया वो विल पावर अपने स्टैंड अलोन किया। तो 4-5 होने के बावजूद भी, बैलेंस होने के बावजूद भी, जो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था उन चीज़ों पे फोकस ना करके सिर्फ एक ध्येय बना लिया कि पैसा कमाना है, और इररेगुलरिटीज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम उसको जो है उन्होंने करा। और देखो ये मज़े की बात कि 3 नंबर नहीं था और 3 नंबर के साथ ही पंगे ज़्यादा हुए, मतलब बैंकिंग सेक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा पंगे जो है वो देखने को मिले। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है जो मतलब अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपको इन्वेस्ट जो है वो नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि 3 नंबर किससे था, बैंकिंग से सेक्टर से रिलेट करता था, और ये 4 नंबर के थे, ये 4 नंबर के थे, और इन्होंने उन चीज़ों को अपने तरह से चलाना चाहा, वहीं पे इनको धोखा मिल गया। तो ये एक ऐसी रूसो ग्रिड है जिसको अगर आप स्टडी करें, और आप भी करिएगा, मैंने अपने तरह से करी है, आप भी करिएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको इससे। अगर कहीं पे थोड़े से फैक्ट्स फाइंडिंग में चलते हो, सीधे रास्ते पे चलते, तो ये प्रॉब्लम्स इनको बिल्कुल भी नहीं आती, और अगर ये जुपिटर को थोड़ा सा और अपना लेवरेज दे देते तो बहुत अच्छा ये कर सकते थे। इनकी नॉलेज में देखिए पूरे चांसेस थे, यहाँ पर 2 भी मिल रहा है और यहाँ पर 7 भी मिल रहा है, और मैंने आपसे यही कहा है कि अगर आपके नंबर्स गेम में अगर आपके पास 2-7 है तो आप एक एनालिस्ट कर सकते हो, एनालिस्ट के रूप में बहुत अच्छा इन्होंने किया भी है, दूसरों को टिप देते थे और दूसरों को पैसे भी काफ़ी हद तक इन्होंने बनवाए, दूसरों को प्रॉफिट कराए काफ़ी हद तक। और 5 नंबर था तो पूरा इंटरेस्ट था कि हाँ भैया शेयर मार्केट में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट के साथ नहीं जा सकते, ये था बस। जहाँ इन्होंने बड़ा गेम खेला ये वहीं पट हुए, जब तक ये छोटे गेम खेल रहे थे 20-25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख के गेम खेल रहे थे, वहाँ तक ये बिल्कुल ठीक थे। जब ये 500 करोड़, 250 करोड़ और 200 करोड़ के गेम्स में गए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक थी, बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे थे, जुपिटर पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, नॉलेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, फैक्ट्स पर ध्यान नहीं था, इसी वजह से ये यहाँ पर दिक्कत हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ अच्छा नया मैं आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद।